अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल पीएसएल सुपर ओवर जीत की सुपर धमाल। क्या मैच हुआ है जी, आहा आज तो लग रहा है कि वाकई ग्लैडिएटर रह गए बेचारे, की हो जी। बिल्कुल मतलब? बट साहब आज तो लाहौर ने फटे चक दिए हैं, आते साथ ही तमाम प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया और शे होप ने 47 रन बनाए और इनकी बॉलिंग भी आज बड़ी जबरदस्त थी। शाहीन अफरीदी ने 3 आउट किए, शाहीन ने 3 आउट किए, ये वाकई लाहौर ने फटे चक दिए और अभी शो शुरू भी नहीं हुआ, फटेस ने भी चक दिए। इसने तो बर्फ वाले उठाए हैं ना। कादिर साहब, अभी लोग कह रहे हैं कि जी ग्लैडिएटर के साथ वही हुए जो कराची किंग्स के साथ हुआ था, क्या ये सच है? यकीन करें कि जिस तरह उनके पेपर पे टीम है और 8वें नंबर तक बैटिंग है, लोग यही समझते थे कि ये पीएसएल की ट्रॉफी उठाकर लेके जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये चाय का कप भी नहीं उठा सकते जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस चल रही है। और कप्तानी में थोड़ा सा लैग देखने में आ रहा है सरफराज अहमद की, क्योंकि आप देखें कि हफीज को कभी नीचे भेज देते हैं 8वें नंबर पर, कभी 2 डाउन भेज देते हैं, उमर अकमल को खिलाया नहीं, उमर अकमल को चांस नहीं दिया, आपको पता चलते रहते हैं, मगर ये एक्सपेरिमेंट जो है बड़ा फेल हो गया आज। और खवातीन हजरात, जहां हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट क्वीन हमारे साथ आई हैं, ड्रामा के अंदर बहुत ज्यादा काम करती है, लाहौर बड़ा कम आती है, नताशा अली। कराची में ही आप रहती है, लाहौर नहीं आती, क्यों? आप बुलाते ही नहीं है, मेरी शादी हो गई है। यार वाकई नताशा, मैं समझता था टीवी में खूबसूरत है, इधर से भी प्यारा है माशाल्लाह, अपना सदका का उतारने बिल्कुल सेल्फी बनाने वाला सेब लग रहे हो। पूरा जवानी खा ले। मैं नताशा का मशकूर ममनून हूँ। अच्छा। कि आज इन्होंने जो लॉन्ग बूट पहने, यकीनन मेरी वजह से पहने आपने। हाँ जी। मैं आपसे इंस्पायर हूँ ना। अरे एक्चुअली आप जो पैंट पहन के जाते हैं बाहर। नहीं नहीं, ये पहनते नहीं है, ये बूट तो आपको पता है, इनको बूट दोनों की बात कितनी मैच कर गई है, वो इंस्पायर है, वो एक्सपायर है। नहीं नहीं, हमारा तो दौर अभी शुरू हुआ है, आगे आगे देखें होता है क्या। इधर हमने दौर नहीं चलाने देना, इधर शादी चाह मिलेगी। अभी दौर शुरू है तो फिर आपको कहना चाहिए अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी तो पार्टी। नताशा, वेलकम टू द शो, सुपर ओवर पे आप आई हैं और आपको क्रिकेट का उतना ही पता है जितना इसाक डार को इकोनॉमी का, लेकिन इसके बावजूद आपने कहा कि मैंने सुपर ओवर पे जरूर आना है। तो सुपर ओवर पे सबसे पहले तो आपके 2 ड्रामे आ रहे हैं जी, एक हुक और दूसरा वाला, क्या आपने उसमें मजेदार एक्टिंग की? अच्छा, ड्रामे ही करती रहती है, होस्टिंग वगैरह आप अच्छी खासी करती थी, मगर होस्टिंग पे अब आप आ नहीं रही। एक्चुअली मॉर्निंग शोज उस तरह से नहीं हो रहे जो पहले कभी हुआ करते थे 3-4 साल पहले। नहीं, पूरा मुल्क मॉर्निंग कर रहा है। मॉर्निंग तो कर ही रहा है, तो शो कर रहा है। तो वाकई वो वाला शो नहीं होता, पहले तो लड़कियां वो कोबरे का पापा कर लेती थी, शेर को आंखें मारती थी, वो अब नहीं होते मॉर्निंग शो। पहले होता था मॉर्निंग शो, बाकी सही बात है, अब तो मॉर्निंग शो ऐसा ही हो गया, जैसे नहीं कहता बंदा बैठ के खेल रहा होता, चल शो कर। अच्छा जी, TCL वाला टीवी, अब आप लोग उसका वेट कर रहे हैं, मुझे पता है TCL का जो जिन लोगों ने कल जवाब दिया है, मैं अब आपको उन लोगों का बताता जाऊं। कल हम लोगों ने आपसे सवाल किया था कि शाहिद अफरीदी ने फर्स्ट एडिशन PSL किस टीम की तरफ से खेला था, इसका आंसर था पेशावर जलमी। हमारे पास इतनी एंट्रीज आई कि मैं आपको बता नहीं सकता। और आज नताशा जी, आपने एक विनर का नाम निकालना है जिसको हम TCL का टेलीविजन देने जा रहे हैं। कमेटियों वाली माई लगते हो तुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किसी हकदार को जाए अल्लाह ताला। आमीन जी। और ये हकदार का नाम है मोहम्मद अरसलान अली, हैदराबाद से। अरे मोहम्मद अरसलान, बहुत बहुत मुबारक हो आपको हैदराबाद से जी, आपको TCL का टीवी मुबारक हो। वाह मोहम्मद अरसलान भाई, हैदराबाद से हो आप, उधर तक जाते हुए पुराना हो जाएगा, मैं ले लूं। अच्छा आज का सवाल, कंग्रेचुलेशंस मोहम्मद अरसलान साहब, आज का सवाल भी जरा गौर से सुने, आपको तरीका बताते जाए, सुपर ओवर का यूट्यूब पेज सब्सक्राइब करें, इस सवाल का जवाब हमारी वीडियो के नीचे दें, उसका स्क्रीनशॉट खींचे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो एंट्री नहीं काउंट होगी, इसे सब्सक्राइब करके उसका आंसर दें, स्क्रीनशॉट खींचे और व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, इस पे आप अपना जवाब दें। आज का सवाल ये है कि मोस्ट PSL टाइटल किस टीम ने जीते हैं, PSL के मोस्ट टाइटल्स किस टीम ने जीते हैं, मतलब है कि PSL सबसे ज्यादा कौन सी टीम ने जीता है। आप शुरू हो जाएं। जाए आपकी बूझो तो टीवी आपका। वैसे ये टीवी भी अहमद अली भट्ट जो टीवी दे रहा है, हाँ। ये भी हमारे दौर में दे रहा है, हाँ। वरना ये पिछले दौर में तो किसी को धक्का भी नहीं देता था। हाँ जी। ये भी हमारा काम है, मैं आपको बता रहा हूँ। ले ले ले, क्रेडिट क्रेडिट, इसका क्रेडिट आप ही ले ले, ये धक्का पानी पिया। लैपटॉप बांटे जाते हैं ना। अरे नताशा, उनमें रैम नहीं होती।
रैम करो, रैम कर, रैम भी होती है। इनकी सियासत में भी रैम नहीं होती और लैपटॉप में भी रैम नहीं होती। ओके अच्छा नताशा, मुझे मिला था रिसर्चर के तौर पर, 3 साल से खराब पड़ा है। नताशा आज आप लगता है डायरेक्ट फिरौन के दरबार से आए, जो जो कपड़े आपने ज़ेब-ए-तन किए हैं ये आज के दौर के नहीं है। नहीं आपको मेरे कपड़ों से इतना मसला क्यों है? असल में बात बता के इन्होंने फिरौन के साथ रात को टेलीफोन पे बात की है, असल में बताया दोनों बड़ी हैं। अच्छा वाकई नताशा के कपड़े देखो, चाइनीज फिल्म में ऐसी लड़की झाड़ू के ऊपर 17 किलोमीटर का सफर कर लेती है। अच्छा जी हमें नताशा या साशा? नहीं वो साशा है, क्लियर करें पहले। ये आप नताशा है? मैं नताशा हूँ, वो साशा है। असल में हालांकि आप साशा लग रही हो, उसके सामने आप साशा लग रही हो। अच्छा जी आज एक और हमें बहुत बड़ी, मैं तो कहूंगा कि जी वायरल सेंसेशन है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम लंदन ख्वातीन हजरात, इनका नाम सुन के आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। ऑल द वे फ्रॉम लंदन आ रहे हैं, पीएचडी इन्होंने डबल किया हुआ है म्यूजिकोलॉजी में, वाह, 1 घंटे के अंदर। प्लीज वेलकम ऑल द वे फ्रॉम लंदन चाहत फतेह अली खान। चाहत साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बट सर बिल्कुल साफ आ रही है जी, बट सर आवाज जी। चाहत साहब कैसे हैं आप? वाह 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 सर, बप्पी लहरी के बाप लग रहे हैं अभी आप, ये आपने बड़ा मजेदार गेटअप किया हुआ है। जफी लहरी हो जाए। जफी लहरी लोग आगे से हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, इन्होंने पीछे से करवाया। चाहत साहब वेलकम टू द शो। नताशा और आप आज हमारे साथ खेलेंगे, थ्रू आउट शो में आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले तो चाहत साहब मुझे बताएं कि क्रिकेट का आपको कितना शौक है? सबसे पहले तो मैं आपका और असद साहब का और आपकी पूरी टीम का और समा चैनल की पूरी मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज मुझे मौका दिया। चाहत फतेह अली खान ऑल द वे फ्रॉम लंदन, अस्सलाम वालेकुम जी। जिसका आप हिट हो रहे ना, $40 पे आपकी फोटो आ जानी। अच्छा ये बोलते भी अपने गाने की तरह ही? हाँ जी बिल्कुल, तोड़ तोड़ के। क्या बात है यार, बड़ा अच्छा स्टाइल है बोलने का, जैसे मरीज बातें नहीं करता। बेहतर हाँ अब मैं सोने लगाऊं, जाओ। अच्छा चाह साहब आपसे सबसे पहले तो पूरा पाकिस्तान ये सवाल पूछना चाहता है कि PSL का एंथम की सुपारी किसने आपको दी थी? ये आप कहां से आपने सोचा कि PSL का एंथम मैं गाऊं? अच्छा मैं जवाब देने से पहले आपके जितने भी मेहमान आए हैं उन सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम जो भी बैठे हैं स्टूडियो में। और जी 7 महीने पहले मेरे जहन में आया कि मैं जी लिखना शुरू हो गया हूँ, सद गा भी रहा हूँ, कंपोजिशन भी कर रहा हूँ, तो वाई नॉट इस दफ़ा PSL के लिए कुछ लिखा जाए। तो मैंने 4 महीने पहले लिखना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा सा, तो लेकिन फिर अल्लाह ख्याल रखे मुकम्मल हो गया। फिर माशाल्लाह मैंने जो आखिरी मेरा जी महीना था कंपोजिशन की, फिर बार बार गारा, ठीक है जी, तो अल्लाह का शुक्र है। वायरल इस तरह हुआ है कि वो तो लग रहा था कि फेसबुक वाले आपके सांडू है कोई। वो तो खुद बहुत है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगला वर्ल्ड कप आने वाला है, ये वर्ल्ड कप के गाने की आपको किसी ने साही दे दी है? अभी से टारगेट कर लिया कि आपने वर्ल्ड कप का वो गाना करना है? पहले मुझे पहले जब क्वेश्चन किया उसका आंसर देने दें, तो बट सर मैंने पिछले 6 महीने में 6 गाने कर ली थी माशाल्लाह, और 6 महीने माशाल्लाह बहुत अच्छे जी गए। लेकिन ये जो PSL, ये जो अपना प्यारा PSL है, ये माशाल्लाह मिलियंस में चला गया, हिट हो गया। अभी तक किसी ने मुझसे रابطہ नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं लिखना शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। नहीं नहीं PSL वालों की आउटगोइंग कॉल बंद हो गई है। आप लिखे फ्यूचर में आपका नाम हो रहा है चाहत रहमान कमर। और आपको पता है ये वाले गाने का आमद भी इनको उधर हुआ था बाथरूम में। ओ यार अच्छा। और यार उधर पानी नहीं आ रहा था, इनको 10 मिनट ज्यादा लग गए, उधर आमद हो गया। PM प्राइम मिनिस्टर आपसे डायरेक्ट मुखातिब होना चाहता है। अच्छा एक अर्ज सी जनाब, वडे पाइन भी लंदन ने, तुसी भी लंदन हो, जाके उन्होंने गाना सुनाओ, शायद वापस आ जाए। ऐसे बहाने वापस आ जाए? आ ही नहीं रहे। आपका गाना सुन लेके चलो भी उठो चले। नताशा आपने चाहत साहब का गाना सुना हुआ है? नहीं। अच्छा तो फिर सच्चाई गाना साहब, चाहत साहब मैं टाइम आपका जरा, क्योंकि छोटा जरा मुझे गाना चाहिए। नताशा हमारे साथ आई हुई, नताशा अली बहुत बड़ी हमारी अदाकारा भी है, आपने इनकी खूबसूरती पे 2 लाइनें जरा कह दें प्लीज फौरन। अच्छा जी नताशा की खूबसूरती पे
नस्ताशा की खूबसूरती पे मैं कह देता हूँ सवा महीने दी नताशा सवा महीने दी दुनिया इत्थे सवा महीने दी दुनिया इत्थे कुछ खा ले पी ले मौज उड़ा ठीक है चाह साहब क्या बात है आपकी क्या बात है एक गाना फ्लॉप हो गया एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जी जी एक और जी गाना आ रहा है ठीक है जी पंजाबी मैंने रोक के रखे वो गाना रोक के रखे जरा जोर से आ रहा है गाना गाना इनको बड़ी जोर से गाना पेट में ना फट जाता है हां बसाए हो जाते हैं नहीं नहीं जी जी वो नताशा कह रही है कि एक मिनट जरा रोक के रखिए क्योंकि ऑब्वियस बात है अभी काफी लंबा शो है हम लोगों ने नताशा के साथ गेम भी खेल लिए हैं नताशा सबसे पहले तो आपके साथ लेफ्ट पे कुछ तस्वीर पड़ी हुई है चाहत साहब भी देख रहे हैं आपने भी वो तस्वीर हमें दिखानी है हम आपको हिंट देंगे आपने वो तस्वीरें गेस करनी है ठीक है जी ओके जी सबसे पहले आपकी पहली तस्वीर दिखाइए ओ यू करें इसको जरा ये बात 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 नहीं नहीं यू 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 ये बात ये वो है कि जिसको देख के कोई भी नहीं रोकता है ये हर जगह है मगर कोई इसको इसको ओबे ही नहीं करता हालांकि ये अकलमंद के लिए काफी होता है ये आप ऐसे समझो कि ये इसके बिल्कुल नीचे पंजी तीस जनाने फिर रहे होंगे ने ये अच्छा हिट दिया अच्छा हिट दिया भाई ये ऐसी चीज है जिसको देख के आपको चीज है ये इंसान है चीज है चीज है जी रोकने वाली चीज है रोकने वाली चीज है हर एक को रोक देती है जो माँ बाप की नहीं सुनता वो इसकी सुनेगा ये इसका आप ये सुनते भी हैं आप ये समझो कि ये इसके नीचे आपने ऐसे खड़े हो ना ते वेपर वाला दौड़ के आएगा अच्छा ये ऐसी चीज से सिग्नल 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 वेरी गुड इसको तोड़ भी दो तो टूटता नहीं है अगली अगली तस्वीर वो जरी खड़ा रहता अगली तस्वीर यूं कर लें अरे वाह 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 अच्छा चले पॉलिटिशियन है मैं बताता हूं जी ये भी कातिल इकॉनमी कातिल इकॉनमी जेल भरो तहरीक का कल हिस्सा बनेंगे लेकिन उनके आस पास ही होते हैं ग्लासेस पहनते काफी वेरी गुड जानी मैं बड़ा फिट हूँ और मैं बड़ा मेरे हाथ बहुत ही हेरी हैं इनकी वजह से इनका फैसल कुरैशी हाँ और परफ्यूम इनका जानी इजाज असलम ये बात जानी वेरी गुड अगला यूं कर ले सीधी सीधी ओहो ये समझो कि चीज है ये समझो कि पाकिस्तान में जो मॉर्निंग शो है वो इसका मुर्शिद है हाँ इसका मुर्शिद इंसान है या चीज है किसी जमाने में या क्या चीज इंसान है या क्या चीज नहीं अभी भी है वही चीज है लड़की है लड़की है सोनी है हमें तो यही पता है लड़की करीब 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 पहुंची उससे भी पहले मुजद है मुजद है शाइस्ता उससे भी पहले आहिस्ता आहिस्ता नादिया खान नादिया ये बात यार मैंने तो सारे पूछ लिए क्या बात है हैरान हो गई नताशा इंटेलिजेंट कैसे हो गई उस शो में आके हम खुद हैरान हैं मुझे खुद पे यकीन नहीं आ रहा ये बचपन का साथी सामने बैठा कौन मैं बताता हूं आप क्यों इतनी इंटेलिजेंट हो गए ये सब चाहत का कमाल है वाह 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 चाहत साहब चाहत साहब हैं हमारे साथ आगे कितने आप गेम खेल रहे हैं चाहत साहब कहीं नहीं तो नहीं आ गए उनको चाह साहब नहीं वो बाथरूम गए नहीं नहीं इधर ही है चाह साहब हमारे साथ चाह साहब आपसे मुबारक चेहरा अच्छा चाह साहब ये क्रिकेट का सवाल क्योंकि आप आपने क्रिकेट के लिए गाने गाए मुझे बताएं कल जो मैच होने जा रहा है फैसलाबाद फैल्कन्स और हैदराबाद ढक्कन्स का इसमें कौन सी टीम को जितवाने लगे पीएसएल में फैसलाबाद फिर से नाम लीजिएगा फैसलाबाद फैल्कन्स और हैदराबाद ढक्कन्स इन दोनों में से कौन सी टीम जीतेगी कल जी जी फैसलाबाद ही जीतेगी ये इधर तक तो मुंह चाहत भाई मुझे एक बात बताए आपने एक बरादरी है जो के कहती है कि जी आप कातिले मौसीकी हैं तो क्रिटिसिज्म को आप कैसे फेस करते हैं सर मैंने 7 साल जी पहले जी म्यूजिक का माशाल्लाह जी ओढ़ना बिछोना जी स्टार्ट किया तो मैंने 743 शोज किए हैं फेसबुक के ऊपर टू स्टार्ट
तो अब तो माशाल्लाह ट्विटर के ऊपर होते हैं, वैसे लाइव भी होते हैं, टिकटॉक के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी। तो मैं यूज टू हूँ, जब भी कोई क्रिटिसिज्म होता है तो मैं उनकी इज्जत ही करता हूँ। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, अभी इनके दिल में मेरी जगह थोड़ी सी बनी है, लेकिन कुछ महीनों के बाद पूरी बन जाएगी। क्या बात है जी, क्या बात है। खुद ही स्कूटर वाले चाहत साहब से इन्होंने मुझे फेसबुक से अनफ्रेंड क्यों कर दिया? तुम्हारा फेस ठीक नहीं है। आपने कोई बात नहीं, हम कह देते हैं तुम्हारी जगह पे अपना, क्या नाम है, चाहत भाई, ये लड़की आपको करेगा फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट और लिखा होगा उमर अकमल, तो उसको यस कर ले। और मैं तो वैसे भी आपको स्कूटर पे फॉलो करता हूँ। अच्छा चाहत भाई, ये आपने बात कही थी कि आकिब जावेद को क्रिकेट आपने सिखाई है, तो ये बड़ा बोल बोलने के बाद आपको वालचार हुआ था कि पहले? ये बिल्कुल जी दुरुस्त है। जब मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल शेखपुरा का कैप्टन था 2 साल के लिए, क्लास 9th और जी 10th में, तो वो 9th क्लास में वो अभी जी नए नए आए थे स्कूल में, तो उसके वो अपने अब्बू के साथ, अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में जगह दे, तो ट्रायल देने के लिए आए थे। मैं हर साल 2 दफा जी स्कूल के जी ट्रायल उधर जी लेता था कि नए नए जी लड़के सामने आए, क्योंकि स्कूल की तादाद तकरीबन 8 से 10 हज़ार उस वक्त जी थी पूरे स्कूल की। तो ऐसे ये भी आए, ठीक है। तो मुझे इनका ये सिर्फ स्टाइल अच्छा लगा कि ये जंप अच्छा लेते थे, हाइट अच्छी थी, लेकिन बॉल इनका कोई भी अंदर नहीं जाता था, वाइट होते थे इतने इतने वाइट। तो फिर लेकिन मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया, तब इन्होंने जी मेहनत की, ठीक है। फिर मेरा और इनका जो नेट था शेखपुरा जिमखाना का, वो भी जी सेम था, लेकिन पहली दफा स्कूल में इनको मैं जी लेके आया था, उसके लिए 6th क्लास में। अच्छा चाहत भाई, ऑब्वियस बात है ये जो आपने बात कही है ये सच ही होगी, लेकिन ऑब्वियस बात हम लोग इसके ऊपर जरा मतलब रिसर्च भी करेंगे, हमें पूरा यकीन। नताशा के लिए एक गाना आपने डेडिकेट करना है जो कि आपका सुपर डुपर हिट है, जिसने यूके के सारे चार्ट्स तोड़ दिए थे जमीन के ऊपर, उसका नाम है सांसों की माला। वो अगर ये नताशा के लिए सर, ये नताशा है जो यहाँ लड़की बैठी हुई है, ये डेडिकेट मामा केट कर दो जी, ये नताशा, इसको आपने गाना डेडिकेट करना है सांसों की माला, ठीक है। नताशा जी, खास तौर पे आपके लिए, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, माला पे माला पे सांसों की, सांसों की माला पे सांसों की, सिमरू मैं नताशा का नाम। नसीर सुन, मैं कहता हूँ अगर आज भट साहब, चाहत साहब, मैं कहता हूँ अगर आज नुसरत फतेह अली खान साहब हयात होते तो दोबारा दुनिया से कूच कर जाते। वाह 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 वाह, क्या ट्रिब्यूट आपने पेश किया साथ लेकर। लेकिन ये जैसा अच्छा गाना है इसको होना चाहिए सांसों की माला से ट्रक गुजर जाए। वैसे शायरी कमाल है। नहीं लेकिन ये कोई उससे ओरिजिनल से मिलता जुलता गाना है, उन्होंने आपके लिए गाया है। एक मिनट में चेंज करना खुद को, शायरी को बदलना और आपके ऊपर लेकर आना, ये मामूली बात नहीं है। क्या बात है, अच्छा चाहत साहब जाहिर बात है जब से आप वायरल हुए हैं, आपको पाकिस्तान में फंक्शंस की ऑफर आई है? नहीं जी, किसकी ऑफर आई है? एक फिर से फंक्शंस की, शो फंक्शन करने की? बहुत ज्यादा तो कहां से फंक्शन शुरू करना चाहेंगे जी? वो इधर पाकिस्तान करते नहीं है, वो बच्चा इधर छोटा छोटा शरारती है ना जी। जी मेरे जरा बताइए जी चाहत साहब, अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की 65% यूनिवर्सिटी ने मुझसे रब्ता किया हुआ है, कह रहे जैसे आप आएंगे तो प्लीज हमारी यूनिवर्सिटी में आके जी शो करना। अरे वाह वाह, चाहत खान साहब, मैं आपका एक अडियाला जेल में फंक्शन कराना चाहता हूँ, अगर आप आए
एक बार सिर्फ मेरे नहीं, 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 आपकी मवाली नाइट होगी मवाली नहीं नहीं मैं ऐसा बडियाला जेल में नहीं आखिर उनका ऑनर है इज्जत है यार बिल्कुल बिल्कुल गोलमंडी थाने में तुम्हारा प्रोग्राम कराना है मैं चाहना सी इन्हें पैसे सुटिए कि तुम्हारी स्वेलिंग ना जाए मीना चार साहब आप हमारे साथ हैं नताशा भी हमारे साथ है एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी पड़ रही है ब्रेक के बाद एक और गाना गाएंगे और नताशा के साथ हम एक और गेम खेलने वाले हैं खातिन हजरात आप देख रहे हैं जी जी आप देखने वाले हैं आप देख रहे हैं सर मैक्सल पीएसएल सुपर ओवर जीत की सुपर धमाल राइट बैक एंड वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल पीएसएल सुपर ओवर जीत की सुपर धमाल अगर आप टीसीएल का टीवी जीतना चाह रहे हैं आज का सवाल यह है कि पीएसएल सबसे ज्यादा टीम पीएसएल का टाइटल कौन सी टीम है जो जिसने सबसे ज्यादा पीएसएल का टाइटल जीता है हमारे सुपर ओवर का जो यूट्यूब है उसको जाके सब्सक्राइब करें वहां आंसर देना है उसका स्क्रीनशॉट खींचे और हमें व्हाट्सएप करें आपके सामने नंबर्स आ रहे हैं आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं चाहत फतेह अली खान साहब ऑल द वे फ्रॉम लंडन एंड ऑल द वे फ्रॉम कराची नताशा अली और मादा भी हमें आज ज्वाइन कर रही है मादा आपका एक्यूरेसी रेट जो है प्रेडिक्शन वाला वो 99% एक्यूरेसी पे चल रहा है भाई वाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए उससे पहले कि आप दोबारा से मुझसे प्रेडिक्शन ना लें जी तो मैं आपको कल की प्रेडिक्शन कर देती हूँ कल ज्यादा चांसेस मुल्तान के इंशाल्लाह ताला वैसे कराची और मुल्तान का मैच है लेकिन मुल्तान के ज्यादा चांसेस है क्योंकि कराची हमारा पहले भी जी 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 मुल्तान कह दिए जी उन्होंने बड़ा एक्यूरेसी रेट ऐसी लड़की ना कार्ड्स देख के अंदाजा कर लेती है मैंने ऐसे रिश्ते तो भी ना हो जानी चाहत साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं कैसे हैं आप सर लंदन में अभी मौसम कैसा है जरा जल्दी से बता दें आपसे कुछ हमने सवाल भी करने माशाल्लाह जी लंदन जी लंदन में शुक्र अल्लाह का कि अब मौसम जी ठीक है जी लेकिन इस दफा सर्दी बड़ी ठीक ठाक पड़ी है आज तो बड़ा अच्छा अच्छा मौसम तो अच्छा चले आपको तो लड़की भी ज्यादा होगी ना काफी वेड़ा नंगा है अच्छा मुझे बताएं चाहत साहब वो कौन सा सिंगर है जिसको आप गाना गाना सिखाना चाहते हैं बहुत सारे ओ पता क्या जी माशाल्लाह पिछले दो सालों से पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा लड़के लड़कियां जी कह रहे हैं कि प्लीज हमें अपना शागिर्द जी बनाएं ठीक है जी सबसे पहले तो उनको बाकी पता क्या किसको मैं जी कहूँ क्योंकि मैं तो हर एक को अप्रिशिएट करता हूँ कोई मुझे कहता है जी मैं गाना जी गाता हूँ या गाती हूँ तो वो मुझे वीडियो जी भेज देते हैं तो मैं हमेशा तारीफ ही करता हूँ तो मेरे जहन में अभी कोई है ही नहीं है कि मैं किसी को कहूँ कि आप अच्छा गाते हो या नहीं गाते मैं यही कहता हूँ आप बहुत अच्छा जी गाते हो ठीक है खूब मेहनत करो राहत फतेह अली खान साहब से राहत फतेह अली खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है अभी तक उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब चाहत फतेह अली खान ये आपका लकब है या ये आपकी जुर्रत है जी नहीं जी बट सर जब 7 साल पहले मैंने गाना शुरू किया ठीक है तो नाम चेंज कर लिया मेरे एक जी दोस्त है जिन्होंने जी नाम चेंज किया फिर जी बुखारी साहब यहाँ पे मिनिस्टर हैं उससे बात से मेरे जितने दो अच्छा नताशा के साथ हम गेम खेलने वाले हैं नताशा ये कुछ तस्वीर आपकी लीक हुई हैं आपने इसमें आपकी जनरल नॉलेज भी आ सकती है okay. और हम लोग कमेंट करेंगे कि भाई ये कहाँ से और क्यों कब कहाँ कैसे ठीक है ऑडियो भी है जी ये देखिए जी पहली तस्वीर कहाँ से आई है जी ये देखते हैं ओके जी पहली तस्वीर ओ ये अर्ली मॉर्निंग की है दोपहर की है या रात की है नहीं ये अर्ली मॉर्निंग की है मैं एक्चुअली एरोबिक्स करती हूँ घर पे ही एक्सरसाइज करती हूँ तो ये उसके बाद की स्ट्रेचिंग है अच्छा। तो वो इसलिए ऐसे ही बस ऐसे ही मैंने कहा अच्छा ये फोटो कौन खींच रहा था मेरी दोस्त गोहर की भी दोस्त थी आपकी भी ये दोस्त एरोबिक है ये इसका तो स्वाब भी होता होगा अच्छा वो जैसा स्टाइल बना हुआ है ना लगता है अभी पीछे से चलेगा अमित कसीटा आ आ अमित कसीटा आ ओए चुप करें नहीं ये है ना सांसों की माला छोड़ अगली तस्वीर दिखा अगली तस्वीर ओ ये कहाँ है जी ये चुड़ैल को किसने दुबई में एक एक म्यूजियम है जी जी उसमें ये एक पिक्चर्स ऐसी लगी हुई थी कि आप एक आपको रियल लगता है कि आप बैठे हुए एक बॉटल के अंदर ही तो ये वहाँ पे मैंने तस्वीर अलग है बड़ी देर से आपको शीशे में उतारना चाह रहे लेकिन मैं नहीं उतरी पता कौन सी फोटो है और जब किसी लड़की का रिश्ता ना हो रहा हो तो देखने वाले कह देते हैं हसीयत आचार पाना सोनी कुड़ी का आचार जी जी
ये एक्चुअली इन्होंने जादू से मुझे उठाया, पता ये भी वही ऐसी एक पिक्चर एक पेंटिंग थी जो 3D बोलते हैं आई थिंक इसको ना, जी जी 3D पिक्चर। हाँ तो ये मैं खड़ी तो सीधी ही हुई हूँ लेकिन वो लग यही रहा है कि जैसे मैं हवा में हूँ। अरे वाह वाह यार, ये बंदा भी अपने काम का चाहत ही है। अगर मैं इतनी लेटी होती तो बाल यूं ना होते। बिल्कुल बिल्कुल, जितना आपने नाम मुकाम है आप वाकई हवा में है। बिल्कुल, अरे ये तो क्या मेमोरीज हैं, पुरानी तस्वीर। ये कम से कम भी 9-10 साल पुरानी तस्वीर है। जी जी, ये हुमायूं, आयशा, हसीब भाई, जी जी, महवेश और हसीब भाई की बेगम है यहीं साथ में। तो ये बहुत अच्छी, बहुत ये, ये, ये किसी की बर्थडे थी या नहीं? एक्चुअली हम लोग सारे इकट्ठे एक सीरियल कर रहे थे हुमायूं के प्रोडक्शन का। ओके ओके। तो उसके बाद हम एक डिनर पे गए थे ट्रिक विस्टा के ही क्लब में, जो उन्होंने वहाँ का कम्युनिटी क्लब है, तो वहाँ पे ये तस्वीर हम लोगों ने। आपने हुमायूं को कहा नहीं कि आइंदा कूची ना पहने, ये जो से पहनी हुई है? 10 साल पहले तो ये अहमद पार्टी लग रहा था और देखने में ऐसे ही लग रहा है जैसे स्कूल का टूर है और टीचर आगे होके तस्वीर खिंचा रहा है। अगली तस्वीर, अगली तस्वीर। ये क्या है, ये क्या है? यार साफ लग रहा है तुम्हारी फोटो है। एमपी की जूती है बड़ी प्यारी, मुझे जी जी। ये क्या फैसिनेशन है पैरों के साथ? नहीं एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने पैरों की तस्वीरें अक्सर शेयर करती हूँ अपने इंस्टा पे, और अच्छा। मुझे मेरे बहुत सारे फैंस कहते भी हैं कि प्लीज आपके पांव बहुत खूबसूरत है तो प्लीज पिक्चर शेयर करें। आपने फिर जमीन पे उतार दिया। कभी कभी लगा देती हूँ तो ये इसलिए। फैंस की हर बात नहीं माननी चाहिए, ये जवानी। हर बात नहीं मानती मैं बिल्कुल, ये पांव की हद तक की बात है। भाई साहब उठो, पैरों को हाथ ला लो। मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मेरा मतलब है कि अब आप ये पांव जमीन पे मत रखिएगा। जी जी, अगली 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 तस्वीर। ओ बहुत ही नजारे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं क्योंकि हमारे पास ब्रेक के बाद अभी हाजिर होंगे अगली गेम खेलने वाले, चाहत भी हमारे साथ है। सर्फ एक्सेल पीएसएल सुपर ओवर जीत की सुपर धमाल। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन हजरात, आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल पीएसएल सुपर ओवर जीत की सुपर धमाल। हमारे साथ नताशा भी हैं ऑल द वे फ्रॉम लंदन, शाहत फतेह अली खान साहब भी हैं। ओके नताशा, बोल रहा है नताशा, आपके साथ हमारी 2-3 तस्वीर रह गई थी। अच्छा? ठीक है, वो जरा हम लोग जरा जरूरी है क्या? जी जी वो जरूरी। अच्छा। है ना, वो देखिए रहने तो मेरे वाली ना दिखाना बच्चों। नहीं नहीं आप वाली नहीं दिखा रहे हम। मैंने कहा वो पैर वाली फोटो थी ना, बड़ी आला थी, जलाने वाले पैर थे, हालांकि टायर होते हैं यार। अच्छा जी जी, अगली तस्वीर दिखाइए नताशा की। नताशा ये कौन है? मुझे क्या पता, ये मेरी तस्वीर थोड़ी है। आई डोंट नो हिम। वैसे बड़ी अच्छी लग रही हो नताशा ये। अच्छा एक मिनट मुझे बताएं, ये 98 की है ना? ये डायरेक्टर है, राइटर है, सिंगर है, या स्पोर्ट्समैन है, या पॉलिटिशियन है? ये राइटर हैं। राइटर है बिल्कुल। अच्छा ओके, वाह वाह, ओपनिंग लिखते हैं ओपनिंग। अच्छा आप मुझे बताएं कि इनके इनका कौन सा ड्रामा था, तन्हाइयां था, या इनका ड्रामा था मेरे पास तुम हो, या इनका ड्रामा था जलता है दिल? जलता है दिल। वेरी गुड, क्या बात है। मैं कहना नताशा डिस्पोजेबल चाहत फतेह लगी है। बट जी वैसे ऐसी तस्वीर ना खंबे के ऊपर लगी होती है ये। मैंने देखा पहले तो मैं सॉरी, नीचे लिखा होता है जिसको मिले इस नंबर पर आप तक। इनको इनका नाम है मुदस्सर नजर। ओके और ये हमारे बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। I'm sorry, नहीं नहीं that's fine, that's fine. पांच पांच दिन पिच के ऊपर खड़े रहते थे, मैच हो ना हो, मैन विद द गोल्डन आर्म इनको कहते थे। अच्छा जी अगली तस्वीर दिखाइए, ये कौन है? बहुत बहुत माने हुए इनके लेक्चर्स भी हैं, बताएं ये कौन है? ही इज अ प्रोफेसर, या ही इज अ पॉलिटिशियन, या ही इज अ सिंगर, या स्पोर्ट्समैन, क्या है ये? नहीं प्रोफेसर हैं। ओके जी, अब ये कौन सी? इनका नाम है मुश्ताक जमील। मुश्ताक जमील इनका नाम है, क्या नाम है? नहीं नहीं नहीं, सही सही पहले नाम, मतलब मुझे 2-3 ऑप्शंस दे दें और मैं उसमें से बता दूंगी। मतलब मैं देख पहले तो पढ़ी हूं लेकिन मैं अंदाजा लगा सकती हूं। ओके मुश्ताक नाइक। मुश्ताक नसीम विकी। नसीम विकी। लोगों की चुगली मशहूर होती है, इनकी गुगली मशहूर है। हाँ, इनकी गुगली मशहूर है। आपको नहीं पता ये कौन है? नहीं। अच्छा हे मुशी, हे कमा मुशी, मुशी मुशी, नहीं शाबाश मुशी, शाबाश शाबाश शाबाश, नहीं।
अच्छा एक क्रिकेटर है, इनका नाम मुश्ताक अहमद है और ये पाकिस्तान के बड़े लेजेंड बॉलर है। एक्चुअली मुझे यहाँ से सही नजर भी नहीं आ रहा। अच्छा काम करो ना, आई एम सॉरी, पीछे चले जाओ, ये बिल्कुल सामने, अब नजर आए। हाँ ये तो ये होती है। हाँ मुदस्सर नजर साहब, पहले मुदस्सर नजर थे और अब मुश्ताक अहमद है। अच्छा जी ये आपकी तस्वीर थी, नताशा बहुत बुरी तरह फेल हुई, इनके लिए तालियां। नहीं नताशा फेल हुई है, फिर इनको पलंटी होना चाहिए। उठो उठो मुझे डिनर पे लेके चलो। अच्छा जी चाहत साहब, चाहत वापस आए, वही सजा, सजा के लिए हम चाहत भाई के पास जा रहे हैं। जी चाहत साहब आ चुके हैं। ये एक आपके बहुत जो सुपरहिट गाना था PSL एंथम, इसके अंदर आपने एक लाइन कही है, ये PSL का झंडा है, इसमें ये डंडा है, ये क्या आपका एजेंडा है? मतलब शायर का किस तरफ ध्यान है? शायर का ध्यान किस तरफ है? क्या देख रहा था शायर? एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन करें। सारा शायर पूछना चाह रहा है। इस शेर में जी हर टीम का अपना झंडा है, हर टीम का अपना झंडा है, हर झंडे में एक डंडा है, इसका मतलब ये है। वाह 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 वाह। जी 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 है माशाल्लाह PSL, इसमें 90% हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं और वो सब माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग हैं, नौजवान हैं और हिम्मत वाले हैं। उनके लिए चाहत भाई ये जो आपने झंडे में चाहत भाई बहुत अच्छा ये है, लेकिन ये जो झंडे में डंडा है ना, ये हमारे हाथ में होना चाहिए। जी वाह वाह वाह। हाँ जी इस वक्त क्या बात है, क्या मिसाल पूरी हो, जिसकी लाठी उसका चाहत। ये एंथम सुनना भी अदा के इसके बाद एंथम संसार हो जाए। अच्छा चाहत साहब आपने आपने गाना जिन उस्ताद से सीखा है क्या वो हयात है? नहीं वो मेरे ख्याल से पहले दिन ही गुजर गए थे, गुजर गए थे। जी मैंने मैंने जी बिल्कुल हयात है माशाल्लाह। तीन मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे अंदर प्यास थी, ठीक है, तो मैंने फेसबुक से ही स्टार्ट किया। चाहत साहब मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि अब हमारे पास से थोड़ा सा टाइम रह गया है, मैं आपसे ये पूछना जरूर चाहूंगा कि जाने से पहले PSL का वो एंथम होना चाहिए। हाँ ये तो एंथम इतना हिट हुआ है, बच्चा बच्चा आपको एंथम सरगम कहता है। लाइव हमारे लिए प्लीज। जी उठिए फिर नहीं। जी 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 चाहत साहब आप सबकी भरपूर तालियों में PSL का एंथम। ये बात अपना अपना टीवी म्यूट कर दे, सुनाओ फिर उठिए। ये PSL है, ये जो अपना PSL है, ये जो प्यारा PSL है, ये जो अपना PSL है, ये सब प्यारी टीमें हैं, ये सब हमारी टीमें हैं। दलमी 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 पशावा पशावा दलमी क्लंदर 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 लहा लहा क्लंदर। ये सब हमारे बाबे दी चादर जा रही है, बाबे दी चादर जा रही है। शाहद भाई शहजादा मेरी दुआ है किसी दिन ट्रक के आगे परफॉर्म करो आप। सूप भेज रहा हूँ आपको प्लेटों का। आदि रजात चाहत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज ऑल इन गुड फन जो हम लोग यहाँ करते हैं, हम लोग हंसी मजाक के लिए कर रहे होते हैं, इट्स ऑल इन गुड फन। नताशा थैंक यू वेरी मच कि आप सुपर ओवर में आई और आपने अपनी जनरल नॉलेज को टेस्ट भी किया। जी थैंक यू। ओके रौदी रोजरात हमारा सवाल ये है कि PSL सबसे ज़्यादा टाइटल PSL का कौन सी टीम जीती है, अगर आपने TCL का टीवी जीतना है तो प्लीज़ इस पे जवाब दें। खवातीन हज़रात आप देख रहे हैं सर्फ XL PSL सुपर ओवर जीत की सुपर धमाल, कल आपसे इसी लाइव ट्रांसमिशन में मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं सवा TV, पाकिस्तान जिंदाबाद।